गले में पत्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ फिरता हुआ दिखाई देता है। क्या रोटी मकान के लिए प्रत्येक परिवार में। सत्रह के बाद जो परिवर्तन देखने को मिला है, सेफ सिटी के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। सत्रह के पहले जो नगर भाइयों बहनों रंगदारी के लिए कुख्यात थे, कोई गुंडा कोई माफिया किसी भी व्यापारी से रंगदारी वसूली करता था, आज रंगदारी नहीं कोई वसूली कर सकता है। आज तो व्यापारी को प्रदेश सरकार व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा की गारंटी दे रहा है। और भाइयों बहनों पटरी व्यवसायों को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ा जा रहा है। सत्रह के पहले अपराधी और माफिया सीना तान करके चलते थे और समाज का शरीर व्यक्ति और व्यापारी सिर झुका करके जैसे तैसे जान बचा करके चलता था। सत्रह के बाद ये ठीक उल्टा है, हमारा व्यापारी और हमारा नागरिक सीना तान करके चलता है और अपराधी गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ फिरता हुआ दिखाई देता है। केवल नगरीय क्षेत्रों में बलिया के अंदर 20,175 गरीबों को एक एक आवास मिला है। और मैं तो आज आपको कहने के लिए आया हूं, ये डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन को जोड़िए, नगरीय क्षेत्र में जितने भी गरीब होंगे जिनके पास जमीन का थोड़ा सा भी टुकड़ा होगा, मकान जर्जर होगा, उन्हें 2.5 लाख रुपए मकान के लिए प्रत्येक परिवार में। पैसा डीबीटी के माध्यम से अकाउंट में आएगा, हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर घर में शौचालय होगा, हर नगर निकाय में बारात घर होगा, बारात के लिए सड़क में टेंट लगाना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बारात पर भव्य बारात घर बनेगा, वहां पर शादी विवाह के कार्यक्रम भी होंगे, जन्मोत्सव के कार्यक्रम भी होंगे, अन्य मांगलिक कार्यक्रम भी होंगे। हर नगर निकाय के लिए योजना बनाई जा रही है। पीएम स्वनिधि योजना में 6,271 पटरी व्यवसायियों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है। बलिया में 52,248 निराश्रित महिलाओं को, 19,364 दिव्यांगजनों को, 1,29,201 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ आपके जनपद में उपलब्ध कराया जा रहा है। और भाइयों बहनों 2,42,201 आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड अकेले बलिया के अंदर जारी किए गए हैं। भाइयों बहनों बलिया में 2 नगर पंचायत नगरा और रत्सर कला का सृजन किया गया है और अमृत योजना के अंतर्गत भी आपके बलिया में सेवर लाइन के लिए और हर घर नल की योजना के लिए पैसा उपलब्ध करवाया गया है। हर घर नल योजना के लिए अब पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, पानी के लिए उधर नहीं भटकना पड़ेगा। जैसे हर घर में बिजली का कनेक्शन है, ऐसे ही हर घर में पानी का कनेक्शन पहुंचा देंगे। इस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। यहां पर पानी की समस्या थी और खासतौर पर आर्सेनिक से प्रभावित जनपद के रूप में बलिया को जाना जाता था, आज भाइयों बहनों उससे मुक्ति मिलेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे का पहले से ही यहां पे लिंक वे का निर्माण कार्य का शिलान्यास हो चुका है। मेडिकल कॉलेज के लिए मैं पिछले दिनों स्वयं प्रदेश के मुख्य सचिव को लेकर यहां आया था और हम लोगों ने कहा यहाँ की जेल को एक स्मारक के रूप में बदल करके जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज के लिए शेष जमीन दे दो और जेल को हम शहर के बाहर कहीं और जगह शिफ्ट करा देंगे। एक नई कार्य योजना के साथ बलिया आगे बढ़ रहा है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।